यह तय है कि अगर सनातन धर्म के किसी नारे को जोड़कर किसी विपक्ष के नेता ने तंज कसा होता तो सेम सेम की आवाज सदन में बुलंद होने लगती, और इसके बाद तो डिप्टी सीएम शायद भूल गए कि वो सदन में विपक्ष का जवाब दे रहे हैं या फिर चुनावी सभा की तरह भाषण में ब्रजेश पाठक ने सपा को गुंडा, वसूलीबाज और अराजक तक कह डाला। जिस डेंगू के विषय को उठाया है, 2017 से पहले संचारी रोग अभियान के बारे में उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने पॉइंट नहीं उठाया था। दिक्कत क्या है, हमारे जो समाजवादी पार्टी साथी हैं उनको क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में ज्ञान नहीं है, उनके डीएनए में हल्ला मचाना है। आप सोचिए, आपने नियम बनाया है पीठ सर्वोपरि होती पीठ सर्वोच्च होती है, और मैंने नियम में पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति पर्चा पोस्टर बैनर लेकर के नहीं आएगा, और कोई सज्जन कुर्ते पे ही छपवा करके चले आए हैं। ये अराजकता है, ये अराजकता है। गुंडे और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा।